मैं राकेश पांडे, कक्षा 11वीं, सब्जेक्ट इतिहास। समय के प्रारंभ से पूर्व में चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आगे पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रारंभ और मानव विकास के बारे में, मानव का विकास कैसे हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम जीवन का प्रारंभ जल में एक कोशी जीव के रूप में हुआ, जिसमें ना तो हड्डी थी और ना ही मांस था। इन्हीं जीवों का धीरे धीरे विकास हुआ और मछली, केकड़े, सांप आदि अनेक प्राणी पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए। इन प्राणियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। शक्तिशाली तथा बड़े प्राणी छोटे छोटे प्राणियों को खा जाते थे या उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार धीरे धीरे बड़े प्राणियों का विकास होता गया। कुछ प्राणी तो आज के हाथियों से भी बड़े थे, जिन्हें डायनासोर कहते थे। डायनासोर दो प्रकार के थे, एक जो मांसाहारी थे तो दूसरे शाकाहारी। इनके अल्प विकसित मस्तिष्क व बदलती भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए। इनका स्थान छोटे छोटे प्राणियों ने ले लिया। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लंबे समय के पश्चात मानव का जन्म के विकास की कहानी एक दिलचस्प कहानी है। मानव प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने मानव के क्रमिक विकास का गहन अध्ययन किया। उन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में एक पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना की। यह एक पुस्तक 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई। चार्ल्स डार्विन ने अपनी इस पुस्तक में प्रमाणित किया कि मानव बहुत समय पहले जानवर से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आया है। मानव के क्रमिक विकास का काल 360 से 240 लाख वर्ष पहले माना जाता है। यह काल जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनधारी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। इसके उपरांत लगभग 240 वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में से एक और उपसमूह उत्पन्न हुआ, जिसे होमिनाइड नाम से जाना गया। वानर अर्थात इसी उपसमूह में सम्मिलित थे। होमिनाइड के उद्भव के बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड प्राणी अस्तित्व में आया, जिसके सबसे प्राचीन जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस प्रजाति के हैं, पूर्व अफ्रीका में पाए गए हैं। होमिनाइड और होमिनिड के मध्य समानताएं विशेषताएं भी विद्यमान थी। होमिनाइड चौपाया है थे, या फिर होमिनाइड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों से चलने में समर्थ थे। होमिनाइड के मस्तिष्क का आकार होमिनिड की तुलना में छोटा होता था। होमिनिड के हाथ विशेष प्रकार के होते थे, जिनके माध्यम से वे औजार व हथियार बना सकते थे, उनका प्रयोग भी कर सकते थे। होमिनाइड के सबसे प्राचीन जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। होमिनिड को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर आगे चलकर अनेक शाखाओं में विभाजित किया गया। इन शाखाओं को जीन्स के नाम से जाना गया। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन शाखाओं की कई शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन शाखाओं की कई प्रकारों में बांटा गया है। नंबर एक प्राइमेट
प्राइमेट का अर्थ नर वाना होता है। प्राइमेट के अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वनमानसों तथा इनके स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। हम आधुनिक मानव का विकास प्राइमेट से ही हुआ है। सेकंड, होमिनाइड बंदरों की तरह दिखने वाला परंतु कई अर्थों में बंदरों से भिन्न होता है। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और इसके पूंछ नहीं होती है। होमिनिड, इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था। इनके पास पैरों के बल खड़ा होने की क्षमता होती थी। ये दो पैरों के बल चलते थे। इनके हाथों में विशेष क्षमता होती थी जिससे ये औजार। चौथा, जीन शब्द का संबंध प्राणियों के वंश से है। पांचवा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की वह अवस्था जिसमें वानर के लक्षण आदिम रूप में विद्वान थे। नंबर छः, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मानव। यह शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रजातियों के समक्ष प्राप्त हुए हैं जिनका वर्णन इसी अध्याय में आगे करेंगे। मानव ने पूर्ण विकसित होने में लंबा समय लगाया। प्रारंभ में मानव वानरों के समान रहता था किंतु धीरे धीरे उसने पैरों पर चलना सीखा। मानव के मस्तिष्क के विकास के साथ ही मानव ने साथ साथ रहना तथा प्रकृति द्वारा उपलब्ध विभिन्न खाने की वस्तुओं व अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना भी सीखा। मानव के विकास के इसी क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व वर्तमान मानव का आविर्भाव हुआ जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ बुद्धिमान मानव होता है। इस बुद्धिमान मानव ने आग का प्रयोग करना, बोलना, जानवरों की खाल का वस्त्र के समान प्रयोग करना, घर बनाना भी सीख लिया। इस तरह से मानव संस्कृति का विकास होना प्रारंभ हो गया। विभिन्न स्थानों पर रहने वाले मानवों के समुदाय की संस्कृतियों का समूह विकास होने पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ। प्रागैतिहासिक मानव की प्रजातियाँ। प्रागैतिहासिक काल के आदि मानव के शरीर की रचना एवं कार्यों के आधार पर मानव शास्त्रीय एवं जीव वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके पता लगाया आदि मानव के साथ होने के स्थल। आज के मानव की अवस्था में पहुंचने में लाखों वर्ष लगे थे। जावा, पीकिंग, चीन, हील, एलवर्ग। नंबर एक, प्रजाति। जीवों का ऐसा समूह होता है जिसके नर व मादा मिलाकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे प्रजनन में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। एक नियंडरथल जर्मनी, पिल्टटाउन इंग्लैंड, क्रोमोगनान फ्रांस, रोडेशिया अफ्रीका तथा विश्व के अनेक भागों में खुदाई में मिले अवशेषों तथा 80 पंजरों के प्रागैतिहासिक मानव की प्रमुख जातियों के विशेष विषय में जानकारी मिलती है। इन प्रजातियों को वैज्ञानिक द्वारा विभिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। ये सभी लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्द से लिए गए हैं। उदाहरण, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल अर्थात दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथेकस अर्थात वानर से मिलाकर बना है। इसी प्रकार होमो शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है
जिसका अर्थ मानव के प्रागैतिहासिक मानव की विभिन्न प्रजातियां निम्नलिखित हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का समय लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। ये पूर्वी अफ्रीका में पाए गए थे। इनमें वानर के अनेक लक्षण मौजूद थे। ये मनुष्य की तरह खड़े हो सकते हैं, लेकिन सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता इनमें अधिक नहीं थी। इनके जबड़े भारी होते थे तथा इनके दांत भी बड़े होते थे। इनके हाथों की क्षमता सीमित थी। ये अपना अधिकांश समय पेड़ों पर ही गुजारा करते थे, क्योंकि इनके पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं इस काल में मौजूद थी, जैसे आगे के अंगों का लंबा होना, हाथों और पैरों की हड्डियों का मुड़ा हुआ होना तथा टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। आगे चलकर जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया बढ़ी, तब इनमें मानवीय विशेषताओं का विकास हुआ। दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण इनके हाथ तथा अन्य कार्यों के लिए मुक्त हो गए। जैसे जैसे इनके हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, इनमें दो पैरों पर खड़े होकर चलने व दौड़ने की कुशलता बढ़ती गई। पूर्वी अफ्रीका के लेतोली व तंजानिया से प्राप्त पश्चिमियों के जीवाश्मदार इथोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर चलने की कुशलता प्राप्त कर चुका था। लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जलवायु तथा वनस्पति संबंधी बड़े बड़े परिवर्तन हुए। ध्रुवी हिमाच्छंद से पृथ्वी के बड़े बड़े भाग वर्ष जग गए, जिससे भूमंडलीय तापमान एवं वर्षा में कमी हो गई। इसके परिणामस्वरूप जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्र बढ़ गया। इन जलवायु परिवर्तनों के कारण ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप, जो जंगलों में रहने के आदि थे, धीरे धीरे विलुप्त हो गए। इसके स्थान पर दूसरी प्रजातियों का अस्तित्व प्रकाश में आया, जो सूखी परिस्थितियों में भी आराम से रह सकती थी। इन प्रजातियों में होमोबन के सबसे पुरातन प्रतिनिधि शामिल थे। नंबर दो, होमो। होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ मानव है। होमो के अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नाम देकर वर्गीकृत किया गया है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। आ, होमो हैबिलिस, औजार बनाने वाले मानव। बा, होमो एरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले मानव। होमो सा, होमो सेपियंस, चिंतनशील या प्रज्ञावान मानव, अर्थात आधुनिक मानव। होमो हैबिलिस प्रजाति के प्राचीनतम जीवाश्म लगभग 22 लाख वर्ष पूर्व के इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्ड वाई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। होमो एक्टेस प्रजाति के प्राचीनतम जीवाश्म 18 लाख वर्ष पूर्व के अफ्रीका और एशिया दोनों ही महाद्वीप में प्राप्त हुए। इनके जीवाश्म केन्या, अफ्रीका, बूबीफोरा व पश्चिमी तुकान तथा जाबा के मोड़, जोकार व संगीरन में पाए जाते थे। होमो एरेक्टस प्रजाति के एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों के बाद के हैं। अंत ये माना जाता है कि मानव आदि मानव होमिनिड्स पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्वोत्तर एशिया और संभवतः 20 से 15 लाख वर्ष यूरोप में भी गए थे।
ये प्रजातियाँ लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व विद्यमान रही हो। होमो सेपियंस जो कि आधुनिक मानव कहलाता है, चिंतनशील अर्थात प्रज्ञावान प्राणी है। इस प्रजाति के जीवा विश्व के अनेक स्थानों से 195 लाख वर्ष से 35,000 वर्ष पूर्व तक के प्राप्त हुए हैं। तीसरा आइडल वर्गेसिस और नियंडरथलेसिस मानव। मानव वैज्ञानिकों ने अनेक जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के नाम पर भी कर दिया जहां सबसे पहले उन विशेष प्रकार के जीवाश्मों की प्राप्ति हुई थी, जैसे जर्मनी के हाइडलबर्ग से प्राप्त जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया और जर्मनी की नियंडर घाटी से प्राप्त जीवाश्मों को होमो नियंडरथलेसिस कहा गया। उपयुक्त दोनों प्रकार के जीवाश्म यूरोप में प्राप्त सबसे पुराने जीवाश्म और दोनों ही होमो सेपियंस प्रजाति के मानव हैं। हाइडलबर्गेसिस मानव 8 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक जीवित था। यह मानव प्रजाति काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। इनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में मिले। नियंडरथलेसिस मानव 1,30,000 वर्ष पूर्व से 35,000 पूर्व तक पश्चिम और मध्य एशिया में निवास करता था। लगभग 35,000 पूर्व एशिया यूरोप में विलुप्त हो गया। इस प्रजाति के मानव की नाक लंबी व चपटी, जबड़ा विशाल और माथा आगे को झुका हुआ था। इनकी टांगें छोटी व कंधे चौड़े थे। यह मानव औजारों का प्रयोग करता तथा शवों को दफनाता था। चौथा क्रोमेगनन। इस प्रजाति के मानव जीवाश्म के क्रोमेगनन नामक स्थान से प्राप्त हुए। यह होमो सेपियंस प्रजाति का मानव था। इस प्रजाति के लोग लंबे होते थे। इनका माथा बड़ा तथा नाक पतली होती थी। यह मानव अच्छे औजारों का प्रयोग करता था तथा इसे चित्रकला में भी रुचि थी। इनकी पुष्टि गुफा में मिलने वाले चित्रों से होती है।